जय माता दी। मैं पूजा शर्मा, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी और जबरदस्त वीडियो लेके आ गई हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। और कमेंट करके बता दिया करो भाई अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ। वो प्यारी प्यारी वीडियो मैं लेके आऊंगी, आप सबको पता, जैसे कि मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। अगर किसी को भी मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियो देखनी है, मेरे पर्सनल व्लॉग देखने हैं, जिसको ये है कि भाई इसकी फैमिली कैसी है, ये कैसे रहती है, क्या है, कहाँ से है, कैसे है, वो सब मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन देखे, तो पूजा वेदी लाइफ स्टाइल चैनल से चैनल है पूजा वेदी लाइफ स्टाइल, वहां जाके आप सब्सक्राइब करो। वहां आपको मेरे पर्सनल व्लॉग और मेरी पर्सनल वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन इस चैनल पे सिर्फ रिएक्शन वीडियो मिलेगी आपको। यहाँ पे मैं अपना रिव्यू देती हूँ भाई, कैसे हम मतलब जो दूसरे ब्लॉगर होते हैं उनके ऊपर अपना रिव्यू देना। तो भाई सब देख, मैं पहले भी बताती आ रही हूँ कि भाई जो मोस्टली ब्लॉगिंग होती है ना, वो एक ड्रामेबाजी है, ठीक है। सब जो लोग अटैच हो जाते हैं, इमोशनली करते हैं कि हम, ये हमारी फैमिली है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। सब ये जैसे सीरियल होते हैं ना, वो ब्लॉगिंग होती है। अब सबको पता है कि इसमें जो फैमिली फैमिली करते रहते हैं, वो हर चीज का कंटेंट बनाते हैं और लोग की फीलिंग के साथ खेलते हैं, उनका मिसयूज करते हैं, कि जब लोग इतने दिल से जुड़े हुए हैं फिर भी उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, नाटक बना के रख देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉगर मोस्टली ऐसे ही करते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के। लेकिन आज की वीडियो कुछ स्पेशल है, कुछ पॉजिटिव वाइब देने के लिए, कुछ अच्छी बातें बताने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। जो आपने थंबनेल देखा है, जी हाँ, प्रिया, प्रिया के ऊपर ही, प्रिया लाइफस्टाइल है जो, उनके ऊपर ही ये पूरी वीडियो होने वाली है। वे बहुत अच्छी अच्छी मिनी ब्लॉग बनाते हैं, उनके हस्बैंड अलग, देवर अलग बनाते हैं, वो अलग बनाते हैं, उनके मतलब जो है छोटे छोटे बच्चे भी है ना, वो भी ब्लॉग देखते हैं। उनको बोलने की टोन इतनी बेस्ट होती है, इतना अच्छा तरीका होता है बोलने का, तो सब उनके ब्लॉगिंग है जो वो देखना पसंद करते हैं। मिनी ब्लॉग बनाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जब उनका छोटा बेबी आया था, कि भाई लड़का हो या लड़की, जेंडर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसको भी आपने बहुत भर भर के प्यार दिया था। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट, प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी और आपकी राय इस टॉपिक के ऊपर क्या है, वो भी जरूर बता के जाना, ठीक है। जैसे भाई प्रेगनेंसी एक हर दुनिया में जो औरत बनी है, ठीक है, वो प्रेगनेंट, वो माँ बनती है, ठीक है, कोई अलग नहीं है, या तो ऑपरेशन होता है, नॉर्मल होता है, कोई अलग तरीके से नहीं है। जैसे हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जैसे वो हीरो हीरोइन, जो हीरोइन है, जो वे हैं अंबानी और अमीर हैं, जो गरीब है, सबकी नॉर्मल ही होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो गरीब आदमी होता है वो कम एक्टिंग करता है थोड़ा, जो अमीर होता है वो ज्यादा कर लेता है, कि हाँ शो ऑफ ज्यादा करता है, कि हाँ भाई प्रेगनेंसी का ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जो ये व्लॉगर है ना, ये तो जमाए वो करते हैं, ये क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी ने सिर्फ कंटेंट के तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हर व्लॉगर के, अगर किसी की भी घर में प्रेगनेंसी हो जाती है, किसी को कोई वाइफ है, सिस्टर है, जो भी है, वाइफ मोस्टली प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका वो हर मतलब तरीके से एक ड्रामा क्रिएट कर देते हैं पूरा। फलानी ने प्रेगनेंसी में आज आलू की सब्जी खाई, आज प्रेगनेंसी में झाड़ू मारा, आज प्रेगनेंसी में पहली बार खट्टा खाने का मन किया, आज प्रेगनेंसी में ऊपर कमरे में गई, आज प्रेगनेंसी में बाहर गली में निकली, आज प्रेगनेंसी में मार्केट में गई, आज प्रेगनेंसी में कुछ मीठा खाने का मन किया, आज प्रेगनेंसी में मेकअप किया, आज प्रेगनेंसी में भाई पता नहीं क्या क्या किया। हर थंबनेल, हर वीडियो, हर कंटेंट में सिर्फ प्रेगनेंसी वर्ड यूज किया जाता है, तो वहां पे वो बच्चे के लिए खुश नहीं होते, सिर्फ कंटेंट के लिए खुश होते हैं कि हाँ हमें कंटेंट मिल गया। पहले क्या था, आज के टाइम में ज्यादातर जो ये व्लॉग वगैरह, ये बच्चे इसीलिए भी पैदा करते हैं कि कंटेंट मिल जाता है अच्छा इनको, क्योंकि वैसे तो इनको एक एक करना होता, लेकिन अगर कंटेंट चाहिए तो दो तीन तीन भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ, प्रिया का नाम क्यों लिया, प्रिया एक ऐसी व्लॉगर है जिसने कभी भी अपनी प्रेगनेंसी का ड्रामा नहीं बनाया, मतलब फर्स्ट वो ब्लॉगर है ये जिसने प्रेगनेंसी का कभी मजाक नहीं बनाया। हाय प्रेगनेंसी में यहाँ दर्द पेट में हो गया, हाय कमर में दर्द हो गया, हाय पैर में दर्द हो गया, हाय प्रेगनेंसी में सिर में दर्द हो गया, ये काम नहीं करना, इसको बेड रेस्ट करना है, इसकी खून की कमी है, इसका ये है, कभी भी
इस बंदी ने कभी भी प्रेगनेंसी को यूज नहीं किया किसी भी व्लॉग में कि मैंने प्रेगनेंसी में ये किया वो किया. नॉर्मल इतनी सिंपल लाइफ इतनी बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करती है. जैसे हम सब नॉर्मल रहते हैं, हम भी भाई मतलब सब काम करते हैं. जब प्रेग्नेंट हो तो कौन नहीं करता, 9 महीने तक काम करते हैं. इनफैक्ट अगर जब जिस दिन बच्चा पाया उस टाइम भी काम करके जाते हैं, अगर पेन नहीं है तो. समझ गए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं. लेकिन हाँ, ये लेडीज ने सिर्फ जैसे हम नॉर्मल लाइफ जीते वैसे ही दिखाया, लेकिन बाकी. और ये नहीं है कि छोटी ब्लॉगर है, बहुत बड़ी ब्लॉगर है, बहुत बढ़िया ब्लॉग. जो हवा ले रहे हैं ना उन तो ज़्यादा अच्छी है, और जिनका कोई 2-4 लाख है. अरुण में मैंने सोचा हम तो भाई कैटरीना कैफ और करीना कैफ बन गए, पता नहीं के बन गए. मैं इतनी एक्टिंग तैर कर रखते हैं, इतनी एक्टिंग तैरते हैं कि भाई उन धरती पर पहली बार तो या माँ बना यार, पहली बार या प्रेग्नेंट हो यार, पहली बार कोई बच्चा आवेगा धरती पे, इतनी एक्टिंग करते हैं ये, इतने ड्रामे करते हैं. मतलब ये नू ना इन शर्म आती, ना इन सोच दी कि हम के करन लग रहे ना. हर जगह प्रेगनेंसी 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 करते हैं. लेकिन प्रिया एक ऐसी ब्लॉगर है भाई, ऐसी है कि जिसने कभी भी अपनी प्रेगनेंसी को मजाक नहीं बनाया, कभी ड्रामा नहीं बनाया, बहुत अच्छे से और पूरे 9 के 9 महीने बिल्कुल अच्छे से काम किया. हंसती रही, हंसती खेलती हॉस्पिटल गई, हंसते हंसते मतलब हर नॉर्मल लाइफ जी, बिल्कुल नॉर्मल, कोई शो ऑफ नहीं किया. तो इससे यही मैं कहना चाहती हूँ, ये भी ब्लॉगर है वो भी है, वो सिर्फ एक्टिंग होती है. लोग डर जाते हैं, हाय फलानी की प्रेगनेंसी में हो गया, इतनी टेंशन अपने घर क्या कि नहीं लेंदे, चक्कर क्या के पेटा में दर्द होगा, पड़े रहो घर वाले माँ बाप ऐसा कुछ हो, बो ऐसा कुछ है रहो. लेकिन ना ननद सासुआ की टेंशन नहीं ले और नहीं है. लुगाई खर ब्लॉगर है, जो ब्लॉगिंग ये हुए फैमिली ब्लॉगिंग आदमी कम देखे, लुगाई ज्यादा देखे. लुगाई ये इनके पीछे ज्यादा इमोशनली पागल हो रहे हैं. वे उस तो उसके पेट में दर्द हो रहा, बेरा नहीं क्यों होया होगा बेचारी का, कमर में घना दर्द हो रहा था, घनी दुखी हो रही सजमा. और रे को ये इतनी कॉमेंट करना, दीदी फलानी चीज कर ले, दीदी डिकड़ी चीज कर ले, दीदी नू कर लियो. और दीदी इनका कुछ नहीं सुन दी, कदी इनकी एक बात नहीं माननी, कदी इनके कहते एक गिलास पानी तक का नहीं पी सकते हैं, कभी कुछ वो नहीं करना. फिर भी इतनी फरी की एडवाइस देंगे, इतनी केयर, इतनी वो अपनी फैमिली में करा किसी की, कितना प्यार बना रहा है, रिश्ता बना रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से रहा है, सब मिलजुल कर ना. तो ये सब इनके ड्रामे हुए हैं. वह पीरिया भी तो है जिसने प्रेगनेंसी के नाम पर कभी एक व्यू भी लिया कि हाँ मैं नू हूँ, मेरा नू हो गया, नू हो गया, नू हो गया. ये छड़दम तैयार का दर्द है पूरी यूट्यूब पर, सिर्फ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी रहा है. और एक और चीज हो जाएंगे नहीं, प्रेगनेंट बच्चा हो गया उसके 2-3 महीने बाद फिर एक और नाटक शुरू कर रखा है इन्हें, फिर दिखाओगे कि हम दोबारा प्रेगनेंट हो गए, 6 महीने बाद 1 साल बाद दोबारा प्रेगनेंट हो गए. 1-2 महीने तक इनका ड्रामा चल लगा भाई, 3rd-4th महीने बाद तो पेट दिखना शुरू हो जाएगा, 4th महीने बाद तो अगर पेट नहीं दिखा तो फिर प्रेगनेंसी करेता होगी. तो भाई 3rd महीने में ये कह देंगे वो भाई तेरी तो हम बीमार हो गए, मिसकैरेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर वो फेक ड्रामे जो ये मतलब ये भी कंटेंट का तरीका बना रखे ना, नकल इतनी करें सारे जने एक दूसरे की नकल करेंगे, वो उसकी रीस करेगी, वो उसकी. लेकिन प्रिया ने कोई ऐसा नाटक नहीं करा कोई भी, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ बंदी है, मतलब अच्छे से रहती है, बिल्कुल अच्छी ब्लॉगिंग करती है, कभी कोई फेक नहीं, कोई ड्रामा नहीं करती, कोई नाटक नहीं करना, ये वो नाटक भी नहीं करा जो उनसे सारी कर रहे हैं. यही बच्चा होने के बाद 2-4 महीने बाद मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, फिर से प्रेगनेंट होगी. जब पहले डाउ हुआ है ना असली में हुआ, जब तो 3-3 महीने बाद बता हुआ है, चौथा पांचवा लगेगा, छठा तक भी लगेगा, जब दिखना शुरू हो जाए लोग पूछने लगे जब बता हुआ है. और उसने ये कुत्ते किट हाथ में लेकर दिखाऊं सी दला भाई बच्चा करे प्रेगनेंट होगी, शर्म नाम की चीज नहीं, सिर्फ पीछे खातर गिर जाए ये ना सोचते हम के करन लग रहे के नहीं करन लग रहे, कोई मतलब नहीं ना नाटक करने का, मतलब सिर्फ हम दोबारा प्रेगनेंट हो गए, हम नू हो गए, हम नू हो गए. कुछ सीखो, अगर थारे किस्मत पीछे आने होंगे ना, अर्थ हम संस्कार तारी इज्जत होगी जब भी मिल जाएंगे. फिर देख लो इतनी रिस्पेक्ट तरवाया बंदी, इतनी बढ़िया तरीके तरवाया. मैं अगर मैं कहना चाहूंगी ना, कोई भी अगर किसी के ब्लॉग में सत्ता है, बिल्कुल कोई शो ऑफ नहीं, बिल्कुल कोई ड्रामा नहीं, तो सिर्फ इस प्रिया राव के ब्लॉग है जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे है. मतलब कोई झूठ नहीं. वैसे मैं हालांकि मैं रेगुलर नहीं देखती भाई, कोई आगे आ जाता है तो भले ही शॉर्ट आते हैं इनके, शॉर्ट में कोई आ गया तो ठीक है, लेकिन जो भी मैंने देखे हैं बिल्कुल बेस्ट होते हैं. और बोलने का तरीका इतने प्यार से, इतने उससे. एक और जो चल रहा है कि हाँ सासू आ गया, सासू से गला नाचा, देख मेरी सासू ने, देख मेरी बुआ, वो चीजें प्यार नहीं होती. जो ये वो जो करते हैं वो सब ड्रामा ही होता है, क्योंकि उन्हें पता वो चीज दिखानी, जब जहां दिखाना ही पड़ गया, हाय मेरे सासू ने देखो, मेरे ससुर ने देखो, मेरा डांस देखने लायक रहे, वो क्या है.
यहाँ देखो ना, कोई शो ऑफ नहीं करती बिल्कुल भी, जो है रियल होता है असली में, ठीक है। देखो ये पैसे के लिए सब करते हैं, पैसे ये भी कमा रही है, और लेकिन सच्चाई तो कमा रही, पागल तो नहीं बना रही है, नहीं कोई ड्रामे तो नहीं कर रही, इतना ढूंढ नहीं करना चाहिए, ढूंढ नहीं करना चाहिए। अच्छा पूरे 9 महीने काम करे अगले ने, कोई लुगाई डिमोटिवेटेड भी नहीं हुई कि देख, हाँ अच्छी मोटिवेट ही हुई है कि देख प्रेगनेंसी में काम भी करा, कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कुछ जो अच्छा है उसको अच्छा ही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत ही बोलेंगे, आधे ज्यादा ड्रामे कर दो, इनके ड्रामे मान की कोई जरूरत नहीं है, अच्छाई और सच्चाई देखा करो, जो इनका सही है वो सही है। उम्मीद करूंगी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइए था हमने कौन किस किसी ने सबसे ज्यादा घने ड्रामे करे प्रेगनेंसी में और नाटक बनाया प्रेगनेंसी का, और आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरी वीडियो कैसी लगी वो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, जय माता दी।